अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इकरा हफ्फाज़ बॉयज़ कॉलेज। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी, वीडियो लेक्चर नंबर 2, जिसका पार्ट बी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बॉडी सेक्शन में टॉपिक प्लांट हार्मोन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्लांट हार्मोन्स की डेफिनेशन और उसके काइंड्स और एक काइंड ऑक्सिन को डिस्कस किया था अपनी क्लास में। अब जो फर्दर काइंड्स हैं इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप जो है वो पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को। तो स्टूडेंट्स, कौन सा हार्मोन हम डिस्कस कर रहे हैं? जिबरेलिन को डिस्कस करते हैं। जिबरेलिन जो हार्मोन है, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं, तो जिबरेलिन जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था, एक साइंटिस्ट था जो आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, टी येबुटा और टी हयाशी, इन्होंने एक फंगस से इस जिबरेलिन को डिस्कवर किया था। अब ये फंगस इनसे इन्होंने किससे इवैल्यूएट किया था, जिसमें आप देख रहे हैं फुरिस सीडिंग ऑफ डेकेने डिजीज राइस। तो ये आपको जो पिक नजर आ रही है, एक तरह से फंगस डिजीज कॉज हुई हुई है राइस के अंदर। इससे इन्होंने इवैल्यूएट, यानी कि इससे जो है वो इस फंगस से ये हार्मोन्स को जो है वो आइसोलेट किया था साइंटिस्ट ने। ठीक है, एक नई डिस्कवरी के हवाले से, आपको बस जनरल नॉलेज के हवाले से पॉइंट्स को देखने, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके रोल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से हम आगे चलते हैं केमिकल नेचर की तरफ। केमिकल नेचर जो होता है जिबरेलिन का, वो जिबरेलिक एसिड होता है और इसके 70 से ज्यादा टाइप डिस्कवर हो चुके हैं। अब आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नोहा हुआ है तमाम बच्चों को। तो ये भी एक तरह से आपको इसके अंदर कुछ क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। सिर्फ बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में रखना है कि जिबरेलिन का जो केमिकल नेचर होता है वो जिबरेलिक एसिड्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं जिबरेलिन के रोल और जिबरेलिन। जैसे ऑप्शंस के अंदर मैंने आपको कहा था कि साइमल्टेनियस के बहुत सारे हार्मोन एक साथ काम कर रहे होते हैं, इसी तरह जिबरेलिन के जो रोल्स हैं वो सेल डिवीजन से, सेल एलोंगेशन से, चाहे वो सेल डिवीजन फ्रूट्स की हो, चाहे वो लीव्स की हो, चाहे वो स्टेम्स की हो, सेल एलोंगेशन ज्यादातर लीव और स्टेम्स के अंदर ज्यादा काम करते हैं। कंट्रोल ऑफ डॉर्फिज्म, यानी कि प्लांट छोटा ना रहे, छोटा कद ना रहे, तो जेनेटिक के आधार से और साइकोलॉजिकल डॉर्फिज्म को कंट्रोल करता है जिबरेलिन। अगर जिबरेलिन हार्मोन सीक्रेट नहीं हो प्लांट्स के एम्ब्रियोनिक टिश्यूज से, तो इसका मतलब है कि प्लांट्स की हाइट कम हो जाएगी। सीड जर्मिनेशन के हवाले से हम बात करते हैं। सीड जर्मिनेशन का मतलब आप बच्चे सब जानते हो कि जर्मिनेट का मतलब होता है सीड जो है वो जर्मिनेट जब होता है तो उसके अंदर रेडिक्यूल और प्लूम्यूल जो है वो अराइज होते हैं, जिसको नेक्स्ट आपको पता है कि रेडिक्यूल इन फ्यूचर रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लूम्यूल इन फ्यूचर शूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिबरेलिन जो हार्मोन है बेसिकली एक्टिवेट करता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जिबरेलिन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यह इनिशिएट हो जाती है। दूसरा नेक्स्ट जो रूल हम देखते हैं जिबरेलिन का, वो पार्थेनोकार्पी। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि पार्थेनोकार्पी, अब इधर मैंने मेंशन नहीं किया कि पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं। जितने भी सीडलेस फ्रूट्स की जो मेरिस्टेम ग्रोथ है उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। नॉर्मल ऑफ द सीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी कार्पी की जो इनिशिएशन है वो भी जिबरेलिन कराता है। इंक्रीज ऑफ क्रॉप यील्ड, ये किसमें काम आता है, ये रूल उसमें काम होगा कि वो प्लांट जो कि सीरियस प्लांट्स हैं, यानी कि वीट और राइस की शक्ल के अंदर, उनकी ये क्रॉप्स की यील्ड को यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ करवाता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब भी जो है वो जिबरेलिन का रोल होता है इनकी इनिशिएशन के लिए। अगर फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स हो बर्ड्स की सूरत में भी हो, पॉलन ट्यूब्स हो, एंथर फिलामेंट एंड स्टेमेन, ये तमाम जो है फॉर्मेशन जो होती है वो जिबरेलिन की प्रेजेंस के अंदर होती है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर साइटोकाइनिन हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन है। अब इसकी डिस्कवरी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो साइटोकाइनिन, अब आपको साइटो का मतलब पता होना चाहिए कि साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनिन्स मीन्स ब्रेकडाउन, यानी कि डिविजन आसान लफ्जों में। तो आपको टर्मिनोलॉजी देखने के लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब ये कंपाउंड जो है वो प्रोमोट क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस करेगा, यानी कि सेल डिवीजन। जो आपको पता है कि कोई भी सेल जब डिवाइड होता है तो उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है जब डॉटर सेल्स जब बनते हैं। अब ये जो डिस्कवरी जो है साइटोकाइनिन हार्मोन्स की, इसको आइसोलेट किस
कैसे किया। ऊपर आप देख रहे हैं फर्स्ट साइट प्लानिंग ऑफ ऑल्सिनेटेड फ्रॉम हेरिंग स्पर्म। ये हेरिंग स्पर्म क्या है? ये हेरिंग बेसिकली फिश है, इसके स्पर्म से ये हार्मोन्स को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था 1955 में मिलर ने। ठीक है, तो इसके डिस्कवरी आज से ये भी जाना हमारे लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके केमिकल नेचर और रूल्स को देखना है। केमिकल के तौर पर दो टाइप्स के होते हैं साइटोकाइनिंस, एक नेचुरली होते हैं हमारे पास और एक सिंथेटिक होते हैं। अब नेचुरली मैंने आपके सामने देखा कि जीटेम होता है जो कि कॉर्न के अंदर होता है, और केरेटिन जो होता है ये सिंथेटिक होता है जिसको आप लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अब इनके भी स्ट्रक्चर्स देख लें आप, ये भी आपको देख रहे हैं कि ये भी एक तरह से एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये भी एक तरह से इसके अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व हुई। तो स्ट्रक्चर्स आपको बॉटनी के पेपर के अंदर इसके स्ट्रक्चर्स ही बनाने, बल्कि आपको बस ये जहन में रखना है कि जीटेम कहाँ पर मौजूद होता है, नेचुरल साइटोकाइनेसिस है या सिंथेटिक है। काइनेटिन जो है सिंथेटिक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रोल ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब रोल ऑफ साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन, अच्छा इसमें आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कंपैरिजन करना होगा, ऑक्सिन जिब्रेलिन पढ़ चुके हैं, अब साइटोकाइनेसिस को कंपैरिजन करते हुए आपको काम करना होगा। सेल डिवीजन करता है लेकिन सेल एलोकेशन नहीं करता। दूसरा इसके देखते हैं डिले इन सेंसेंस सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है कि प्लांट की एजिंग या प्लांट्स को ओल्ड होने से बचाता है। ये देखा सेनेसेंस, सेनेसेंस का मैंने आपको क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ये डेफिनेशन है सेनेसेंस, लॉस ऑफ सेल पावर टू डिविजन एंड ग्रो। तो ये एजिंग को एक तरह से जो है वो रोकता है, प्लांट्स की एजिंग को प्लांट्स को ओल्ड होने से ये रोकता है साइटोकाइनेसिस। ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, अब सीड डोरमेंसी किसे कहते हैं? देखिए अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर आपके सामने रखता हूँ, डोरमेंसी कहते हैं सीड स्लीप हो जाए, जर्मिनेट ना। ठीक है, सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा, इसका मतलब है डोरमेंसी आ गई है। तो ये डोरमेंसी, आपने कोई भी सीड को ब्रीड किया सॉइल के अंदर और सीड जो है वो रेडिकुलर और क्यूबुलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, यानी कि जर्मिनेट नहीं हो रहा। जर्मिनेशन उसी सूरत के अंदर होगी जब इसकी डोरमेंसी ब्रेक होगी, और डोरमेंसी ब्रेक कर कौन सा हार्मोन करेगा? साइटोकाइनिन करेगा। ठीक है, तो सो डोरमेंसी के हवाले से डोरमेंसी का वर्ड सीड में भी आ सकता है, बर्ड में भी आ सकता है, फ्लावर के अंदर से भी आ सकता है, फ्रूट के अंदर से आ सकता है। डोरमेंसी मीन स्लीपिंग टाइम, जिसके अंदर कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो। सीड डोरमेंसी का मतलब जर्मिनेशन इनहिबिट हो गई है, जर्मिनेशन स्टॉप हो गई है, इसको ब्रेक कौन कर रहा है? साइटोकाइनिन कर रहा है। नेक्स्ट जो भी देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, फ्रूट ग्रोथ, तो फ्रूट ग्रोथ तो ऑक्सिन भी कर रहा था, अब साइटोकाइनिन भी कर रहा है। तो ये चीजें आपको इंटरव्यू का जब आप तमाम हार्मोन्स को पढ़ लेंगे तो कॉन्क्लूजन आपको लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर ग्रोथ ऑफ फ्रूट, जैसे हमने एडवेंचर फ्रूट्स पढ़े थे ऑक्सिन के अंदर, अब साइटोकाइनिन के अंदर हम देख रहे हैं कि ये इनहिबिट करता है प्राइमरी रूट ग्रोथ को, प्रोमोट करता है सेकेंडरी रूट ग्रोथ, जिसे हम लैटरल ग्रोथ भी कह सकते हैं। इस पिक में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी रूट कौन से होते हैं और सेकेंडरी रूट कौन से, ये देख रहे हैं प्राइमरी रूट, जिसमें मैं कर्सर आपके सामने रख रहा हूँ, और ये जितनी ब्रांचेस लगी सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है कि साइटोकाइनेसिस इनिशियल द सेकेंडरी ग्रोथ नॉट द प्राइमरी ग्रोथ। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है ग्रोथ के हवाले से, रूट की साइटोकाइनेसिस परफॉर्म कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हार्मोन्स की तरफ जाते हैं, एब्सिसिक एसिड्स की तरफ। इसमें एब्सिसिक एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह से कंट्रास्ट है, यानी एंटागोनिस कह सकते हैं इसको। एंटागोनिस हार्मोन होता है ये जिब्रेलिन का, ऑक्सिन का, साइटोकाइनेसिस का, क्योंकि ये इनहिबिट करता है ग्रोथ फैक्टर्स को। किसको करता है? किसी भी एडवर्स एनवायरनमेंट, अगर प्लांट्स जो है सर्वाइव कर रहा है किसी भी कंडीशंस में, जैसे हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर आपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, उसमें हमने बहुत सारे एनवायरमेंटल स्ट्रेस डिस्कस किए थे, वो ये हार्मोन उस कंडीशन के अंदर जो है वो अपने जो है वर्कआउट करता है। तो एब्सिसिक एसिड एक तरह से अपोजिट हार्मोन हो गया ऑक्सिन जिब्रेलिन के बिहाफ के ऊपर, ये इनहिबिट द ग्रोथ करेगा। अब रोल क्या है? डोरमेंसी। अब आपको देखा अगर डोरमेंसी ब्रेक होगी साइटोकाइनिन में, एब्सिसिक क्या कर रहा है? डोरमेंसी को मेंटेन रख रहा है, यानी कि बर्ड्स हो गई, सीड्स हो गई, लीव्स हो गई, इनकी ग्रोथ को शॉर्ट एक टाइम पीरियड के अंदर से लॉक कर देगा। अब इसे एक चार्ट में आपके सामने रखता हूँ, सी डोरमेंसी और बर्ड डोरमेंसी के अतबार से, तो ये डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगी कि कौन से हार्मोन जो है वो प्रोमोट कर रहे हैं सी डोरमेंसी और कौन से हार्मोन जो ब्रेक कर रहे हैं। तो ये चार्ट में आपके वाजे तौर पर नजर आ रहा है।
Geodermancy is a phenomenon where the seed does not germinate for a specific period of time. ये स्पेसिफिक पीरियड टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेसिफिक टाइम से एक्सीड कर जाए तो प्लांट्स की बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। ये इस बिहाफ के लिए अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन के बिहाफ के ऊपर एब्सेसिक एसिड सीड डोमिनेंसी भी करता है और बल्ब डोमिनेंसी भी करता है। तो इसमें हार्मोन्स मैंने शो कर दिए जो हमने प्रीवियस हार्मोन डिस्कस किए कि जिबरेलिन साइटोकाइन और इथाइन। इथाइन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो बाद में ब्रेक करता है सीड डोमिनेंसी, लेकिन एब्सेसिक एसिड सीड डोमिनेंसी को मेंटेन करता है, प्रमोट करता है। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अगर एमसीक्यू आ जाए कि व्हिच हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर सीड डोमिनेंसी, यस डोमिनेंसी ऑफ बड डोमिनेंसी ऑफ फ्लावर, तो इसके अंदर आप राइट आंसर क्या देंगे, एब्सेसिक एसिड्स। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टोमेटा के दबाव से, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस में ड्रॉप कंडीशंस अगर हम देखें जिसे वाटर शॉर्टेज कंडीशन कहते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि एब्सेसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा को क्लोज करने में ताकि मिनिमम ट्रांसपायरेशन अगर हो और प्लांट जो है सर्वाइव कर सके ड्रॉप कंडीशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट के अंदर आते हैं एब्सेसिक एसिड्स की तरफ डिस्कशन करते हैं और वो क्या लीड प्रोडक्शन के दबाव से अगर हम बात करें। अभी जो मैंने लिखा कि लीफ प्रोडक्शन से प्रीमोर्डियम इंक्रीज किया, जैसे ये लीफ की प्रोडक्शन हो रही है प्रीमोर्डियम एक इनिशियल स्टेट होती है एपिकल जब ग्रोथ हो रही होती है लीफ की, तो आप इस डायग्राम के अंदर देख लें कि जब स्टेप वन से गुजरा प्रीमोर्डियम डेवलप हुआ लीफ मैच्योर लीफ पे जब हम जाते हैं तो ये आपको जो एरो नजर आ रहा है, ये आपको जो एरो नजर आ रहा है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो एक तरह लीफ की प्रोडक्शन है और ये जो स्केल्स बनना शुरू हो गए, ये स्केल्स आने शुरू हो गए, ये स्केल्स को हम क्या कहते हैं लीफ प्रीमोर्डिया इनटू स्केल। तो ये तमाम जो स्केल यानी कि इसकी ग्रोथ यहाँ पे रोक दी गई है, क्योंकि शुरू में हमने कहा कि ऑक्सीजन एसिड क्या करता है इनहिबिट कर ग्रोथ, तो ये जो ग्रोथ रोक रही है आपको पता है कि लीफ का साइज एक पैटर्न का साइज होता है, फिक्स साइज होता है, तो वो सारी बातें ग्रोथ को साइटोकाइन जिबरेलिन ऑक्सीजन अपना काम तो कर ही आ रहे हैं, इनकी इनहिबिट करने के लिए कौन आएगा ऑक्सीजन एसिड, जब भी अपनी लीफ अपनी ग्रोथ को रोक देगा, अगर ऑक्सीजन एसिड नहीं होगा लीफ तो ग्रोथ होते ही रहेंगे। तो इनके एंटागोनिस्ट हार्मोन है एक तरह से ऑक्सीजन एसिड जिबरेलिन का और ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से लीफ की ग्रोथ एक एंड खास पॉइंट में जाके स्टॉप हो जाती है। अब देखते हैं कि इसके फर्दर रूल्स क्या है हमारे पास। सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब क्या है कि प्रोमोट करता है सेनेसेंस को ताकि जो है ऑक्सीजन एसिड अगर नहीं हो तो प्लांट्स की जो एजिंग है यानी कि सेल डिवीजन को एक तरह से स्टॉप करने के दबाव से बात कर लेते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ का अपोजिट को हम सेनेसेंस कहते हैं। तो आपको पता है कि वैसे ही इनहिबिट कर रहा है, तो सेनेसेंस का टर्मोलॉजी जो प्रोमोट होगी अगर सेनेसेंस की अगर डेफिनेशन पढ़े तो लॉस ऑफ सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन, तो इसको ये प्रमोट करता है कि प्लांट फर्दर सेल डिवीजन अगर नहीं कर सकता अगर एब्सेसिक एसिड प्लांट्स के टिश्यू से रिलीज होगा। अब इसमें हम नेक्स्ट हार्मोन्स की तरफ आते हैं, इथीन जिसे इथाइलीन कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल पढ़ लिया होगा। इसकी डिस्कवरी कैसी हुई, साइंटिस्ट थे गेन साना को साइंटिस्ट है, जब उसने एक एप्पल को पकते हुए देखा तो उसमें से एक तरह से स्मेल आई, उस स्मेल को उसने जब चेक किया तो उस स्मेल को उसको इथीन जैसी स्मेल आई, इसने एक टेस्ट किया तो इथीन का जो डिस्टिंग्विश टेस्ट होते वो परफॉर्म किया तो उसको पता चल गया कि जब फ्रूट पक रहा होता है तो उसके नतीजे में इथीन गैस रिलीज हो रही होती है। ये फ्रूट कोई कार्बाइड से नहीं पका बल्कि ये नेचुरल तौर पर पकते हुए इस जो है गेन ने अपने एक्सपेरिमेंट किया, वरना आप देखते हैं कि नॉन नेचुरल तो जो आपने आम खा रहे हो देखे होंगे आम जो पकते हैं वो कार्बाइड से पकते हैं, तो कार्बाइड भी बेसिकली इथीन गैस प्रोड्यूस कर रहा होता है जब वाटर से वो मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो हम ये आर्टिफिशियल तौर पर राइट नहीं करते हैं फ्रूट्स की जो आप मैंगो वगैरह के अंदर देखते हैं। इसी तरह कुछ साइंटिस्ट ने टोमेटो को रैपने के बाद इथीन को जो है वो डिस्कवर किया, तो इथीन बेसिकली याद रखें ये तो हार्मोन है जैसे ऑक्सीजन के तमाम में डिस्कस कर रहे थे फूड राइटनिंग, लेकिन इथीन के अगर रूल को देखेंगे सबसे बेसिक रूल इसका क्या होता है राइटनिंग और फ्रूट होता है। फ्रूट जब पकता है तो इसकी अगर कभी भी अगर एमसीक्यूज आ जाए इथाइलीन भी हो और ऑक्सीजन भी हो
तो हमें बेस्ट चॉइस जो आंसर देना होगा वो इथाइलीन देना होगा, क्योंकि इथाइलीन का मेजर हार्मोन टू राइटनिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं लीफ एब्सिसन। एब्सिसन क्या होता है? आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये एरो आपके सामने नजर आ रहा है, ये एंटीज पार्ट क्या कहलाती है? एब्सिसन जोन्स कहलाता है। ये जोन का मतलब क्या है? आपको पता है कि जो भी डिसअटैचमेंट होती है लीफ की स्टेम से, ऑक्सीजन के साथ साथ इथीन भी काम कर रहा होता है। कोई भी जगह फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें देखिए ग्रीन कलर का लीफ भी नजर आ रहा है और एक येलो टाइप का जो भी आपको जो है वो ग्रीन नजर आ रहा है, लीफ नजर आ रहा है, तो ये लीफ डिसअटैचमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये जो डिसअटैचमेंट होगी ये कौन सी जोन से होगी? एब्सिसन जोन से होगी। ये जो जोन पे जो काम कर रहा है कौन सा हार्मोन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ साथ इथीन भी काम कर रहा है। अब बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे रूल्स आप देख रहे हैं कि दो तीन हार्मोन के सेम है, कुछ अपोजिट है, ये तमाम चीजें हम जो है अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपको एक मैं चार्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी कौन कौन से हार्मोन है जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। अब रूल और देखते हैं इथीन के और क्या रूल्स है। ब्रेकिंग अबॉर्डेंसी, अबॉर्डेंसी दोबारा है जो कि जिब्रेलिन डॉर्मेंसी कर रहा था, एब्सिलिक एसिड डॉर्मेंसी को मेंटेन कर रहा था, तो ये चीजें भी आपको डॉर्मेंसी आ गई। फ्लावरिंग के प्रकार से बात हो गई, फ्लावरिंग को एक खुशबू प्रोड्यूस करना, फ्लावर को मुकम्मल तौर पर उसके अंदर प्रमोट करना, तो ये इथीन का काम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने तमाम काइंड ऑफ फाइटो हार्मोन्स को डिस्कस कर लिया। अब ये लास्ट जो एक कॉन्क्लूजन में दूंगा फाइटो हार्मोन्स का एक चार्ट की सूरत के अंदर, ये चार्ट आपके ध्यान में रखना है कि जर्मिनेशन कौन सा हार्मोन परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी कौन सा हार्मोन कर रहा है, फ्लावरिंग कौन कौन से कर रहे हैं जिस पर टिक लगे हुए वो कर रहे हैं, फ्रूट डेवलपमेंट कौन सा कर रहा है, एब्सिशन कौन से कर रहा है, सीड डॉर्मेंसी कौन सा हार्मोन कर रहा है। ये चार्ट अगर आपको याद हो गया तो आपको एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वन लाइन आंसर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कमेंट्स है तो आप एडमिन वालों को से रब्ता करते हुए अपनी जो है वो राय दे सकते हैं इस वीडियो के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।